नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के बजट की घोषणा कर दी है। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड के लिए 91,270 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस बार के बजट में। सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की, तो वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार को 10,210 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। एक ओर मछुआरों को अनुदान में नाव मिलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा को 117 नए एम्बुलेंस दिए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग के लिए 3,480 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, तो वहीं बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।